हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों देओल फैमिली चर्चाओं में आ गई है और वजह है डायवोर्स। जी हां, हाल में ही बच्चन फैमिली अपनी बहू ऐश्वर्या राय की वजह से डायवोर्स को लेकर चर्चाओं में आई थी और अब देओल फैमिली आ गई है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की डायवोर्स के रूमर्स इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी बीच में ईशा देओल के कुछ ऐसे अनसुने किस्से सामने आ रहे हैं जिसे आज इस रिपोर्ट में रूबरू करवाते हैं। सबसे पहला किस्सा तो तब का है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईशा देओल काम करती थी। बताते हैं कि इंडस्ट्री में ईशा देओल ने काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया है, लेकिन वो सक्सेस उन्हें हासिल नहीं हुई जो आम एक्ट्रेसेस को होनी चाहिए थे। एक स्टार किड होने के बावजूद भी ईशा देओल वो कमाल नहीं कर पाई, जिसके बाद ईशा देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी। लेकिन इसी वक्त ईशा देओल ने अपनी को स्टार अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया था। एक ऐसा वक्त था जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई और अमृता को ईशा देओल ने सरेआम पूरे जो फिल्म के कास्ट है, डायरेक्टर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, सभी के सामने थप्पड़ मार दिया था। आखिर इसकी क्या वजह थी और आखिर क्यों ईशा देओल अपने गुस्से की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई, देखिए एक खास रिपोर्ट। फिल्मी गलियारों में दो एक्ट्रेसेस के बीच में गर्मा गर्मी होनी आम सी बात हो गई है। कभी कॉम्पिटिशन तो कभी आगे निकलने की होड़ में, कभी पर्सनल वजहों के चलते एक्ट्रेसेस एक दूसरे से दुश्मनी बना लेती हैं। ये दुश्मनी किसी की कुछ वक्त तक चलती है तो किसी की जिंदगी भर। ऐसे में कोई दुश्मनी ठंडी पड़ जाती है, दोस्ती में बदल जाती है तो किसी के चर्चे सालों साल तक चलते हैं। इसी में से एक दुश्मनी है ईशा देओल और अमृता राव की भी। जी हाँ, ये बॉलीवुड की दो एक्ट्रेस जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती हैं। ईशा देओल और अमृता राव के बीच में देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक बार एक ऐसा वक्त था जब गुस्से में तमतमाई ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ तक जड़ दिया था। इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद ईशा ने कहा था कि उन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, अमृता राव ये डिजर्व करती हैं। ये पूरा मामला है साल 2005 का। जी हाँ, साल 2005 में ईशा देओल और अमृता राव फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान अमृता ने ईशा देओल को कुछ अपशब्द कह दिए थे जो एक्ट्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने पलटकर अमृता को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इस बारे में एक्ट्रेस ने खुद बताया था। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ईशा ने बताया कि एक दिन पैकअप के बाद अमृता ने डायरेक्टर इंद्र कुमार के सामने मुझे गाली दी। मुझे और मेरे कैमरामैन को लगा कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का ख्याल रखते हुए उस हिट ऑफ द मोमेंट में मैंने थप्पड़ मार दिया। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने इस वक्त मेरे साथ बर्ताव जो किया उसके लिए वो वहीं डिजर्व करती हैं। मैं अपने लिए खड़ी हुई थी। हालांकि ईशा ने बताया कि अमृता ने अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी थी और एक्ट्रेस ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था। एक्ट्रेस ने कहा कि आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती जब तक कोई उन्हें उकसाए ना। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि आखिर क्यों ईशा देओल ने ऐसा किया। हालांकि ईशा देओल का ये थप्पड़ कांड कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ईशा देओल ने कुछ इसी तरीके का काम किया था जब वो स्कूल में थी। दरअसल ईशा देओल और भरत तख्तानी की एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। स्कूल में एक कॉम्पिटिशन के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद एक बात पर ईशा देओल का गुस्सा इतना ज़्यादा भड़का कि भरत तख्तानी को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद लंबे अरसे तक उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। हालाँकि ईशा की छोटी बहन आहना के साथ भरत तख्तानी का रिश्ता दोस्ती भरा था। इसी के बाद जब इन दोनों के बीच में बातें शुरू हुई तब इन दोनों ने शादी की। 12 साल पुरानी अब ये शादी टूटने जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरीके से कोई भी जानकारी ईशा ने और ना ही भरत तख्तानी ने दी है, ना तो कोई स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट लिखा और जैसे जैसे इन दोनों उनकी खबरें सामने आ रही हैं कि हेमा मालिनी के घर पर वो काफ़ी लंबे अरसे से हैं,
और भरत तख्तानी के साथ जो उनका संपर्क है धीरे धीरे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ही इनके डाइवोर्स की खबरें चर्चाओं में आई। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।